नमस्कार, द पावर विवेक के साथ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ले चल रहा हूँ मध्य प्रदेश के एक छोटे से हिल स्टेशन पंचमणि। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बड़ा महादेव, छोटा महादेव और गुप्त महादेव के दर्शन कराए थे। और अब मैं ले चल रहा हूँ आपको पांडव गुफा, जो कि पंचमणि बस स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको। और हमने गाइड और जीप कर ली है, दोनों को मिला के हमको 3200 रुपये पड़े और ये हमको 5 जगह घुमाएंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और पांडव गुफा ले चलते हैं आपको, जहाँ 5 गुफाएं हैं और पांडव गुफा के नाम से बहुत फेमस है। इसका बताते हैं आपको इतिहास और देते हैं इसके बारे में आपको जानकारी। नाम से फेमस इसलिए है क्योंकि ये 5 गुफाएं हैं। यहाँ पर पुरातत्व विभाग आया, आर्कियोलॉजी, उन्होंने अपनी खोजबीन किया, तो उनका ये मानना है कि यहाँ पर पांडव लोग नहीं आए थे। हाँ, ये गुफाएं जो हैं ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं। हाँ, ये बौद्धकालीन गुफाएं जो लगभग 4थी-5वीं शताब्दी के आसपास बनी थी। ये 5 गुफाएं होने के कारण सिर्फ पांचों पांडव नाम से फेमस हैं। पचमढ़ी का नाम भी पंचमढ़ी इन्हीं गुफाओं के आधार पर पड़ा था। ब्रिटिशर्स लोगों ने पंचमढ़ी को उच्चारण पचमढ़ी लिया है और पुराना नाम जो है वो पंचमढ़ी है। तो ये एक अनकम्प्लीट मठ है जो बौद्धकालीन समय का बना गया है। 2012 से देखिए जो गुफाएं दिख रही हैं इनमें गेट में ताले लगे हुए दिख रहे हैं, तो इन्हें सिर्फ आप बाहर से ही देख सकते हैं। 2012 में आर्कियोलॉजी लगाई पुरातत्व विभाग में, क्योंकि वो गुफाएं वैसे ही अंदर से अभी से बाहर से देख सकते हो, पर अंदर नहीं है प्रवेश। पहले प्रवेश था 2012 से पहले, मगर अभी देखिए पूरे गेट में ताला लगा है, सिर्फ इन्हें आप बाहर से ही देख सकते हैं। जैसा कि गाइड भैया ने हमें जानकारी दी कि क्यों इस गुफा का नाम पांडव गुफा पड़ा। और चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको पास से दिखाते हैं इन गुफाओं को कि उस काल में कैसे काट के बनाई गई हैं ये गुफाएं। आप देख सकती हैं पत्थर की काफी बड़ी चट्टान है और उसी में काट के बनाई गई है ये गुफा। और ये सीढ़ियाँ ये देख रहे हैं, सीढ़ियाँ भी इसी पहाड़ को काट के बनाई गई हैं। काफ़ी गर्मी हो रही है और धूप भी हो रही है, तो हाल काफ़ी बुरे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से काटने के निशान पड़े हुए हैं कि किस चीज़ से काटा गया है इस गुफा को इतना गहरा, क्योंकि उस टाइम मशीन तो हुआ नहीं करती थी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ऊपर वाली गुफाएं देखते हैं वो किस तरीके की बनी हुई हैं। काफ़ी अच्छा रहता अगर ये जाल नहीं होता तो अंदर जाके हम लोग देख सकते थे कितनी ठंडक मिल रही है, क्योंकि पहाड़ है पूरा और इसके अंदर जाएंगे तो बहुत ठंडक मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। आप देख सकते हैं नीचे की गुफा अलग थी थोड़ी सी और ऊपर की गुफाएं अलग हैं। यहाँ डिज़ाइन मिलेंगे गुफाओं के गेट पे और ये पिलरों पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया गया है उस टाइम यहाँ पे। चलिए फिर और ऊपर चलते हैं और व्यू पॉइंट से व्यू देखते हैं कि कितना प्यारा दिखता है यहाँ पे व्यू।
देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और इतने ऊंचे पे आ गए हैं और बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द पावर विवेक के साथ। Thank you.